अगर आप उन लोगों में से आते हो जिन्हें ये ऑप्शन चेन डेटा देख के कुछ नहीं समझ में आता है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस पे ज्यादा कॉल राइटिंग हो रहा है या फिर पुट राइटिंग हो रहा है या फिर ओआई चेंज, बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आता है ये सारा डेटा देख के, तो मैं इस वीडियो में आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि जिसको देख के आप 10 सेकंड में बता सकते हो कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस पे सपोर्ट बन रहा है या फिर रेजिस्टेंस बन रहा है। तो अभी देखते हैं कि 18,100 पे कॉल राइटिंग ज्यादा हो रहा है या फिर पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च करना है ट्रेडिंग टिक। तो जैसे ही आप गूगल पे ट्रेडिंग टिक सर्च करोगे तो ये साइट आएगा, आप देख लो ध्यान से, इसको ओपन करना है और नॉर्मली इसको गूगल से लॉगिन कर लेना है। तो ये लॉगिन हो जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें भी रुपए आपको देना नहीं है। और उसके बाद आपको जाना है कॉल वर्सेस पुट में, तो निफ्टी यहाँ पे सेलेक्ट करना है, यहाँ पे ओआई चेंज सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो भी प्राइस का देखना है, तो हमें देखना है क्या 18,100 का देखना है। तो 18,100 का हम प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे और ये रेंज एंड भी उसको सेलेक्ट कर लेंगे 18,100 का। अब नीचे आओगे तो देखोगे की कॉल राइटिंग बिल्कुल ना के बराबर हो रहा है, 1,90,000 है और पुट राइटिंग देखोगे तो 57 लाख है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है कि पुट राइटिंग ज्यादा हो रहा है। अगर पुट में ज्यादा रहेगा, रेट ज्यादा बड़ा रहेगा, तो समझ जाना कि बुलिश सिग्नल है, और अगर ये ग्रीन वाला बड़ा रहता तो हम समझ जाते कि बियरिश सिग्नल है। तो हमें पता चल रहा है कि 18,100 पे काफी बढ़िया सपोर्ट लेवल है, देख सकते हो कॉल राइटिंग ना के बराबर हुआ है, सिर्फ पुट राइटिंग हुआ है। तो इस तरह से आप बस यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करोगे, कोई भी स्ट्राइक प्राइस, और यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं देखना है, कहीं पे नहीं जाना है ऑप्शन चेन देखने के लिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा आप वीडियो को लाइक कर दो और मुझे फॉलो कर सकते हो इस तरह का और भी लर्निंग कंटेंट देखने के लिए।